नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन सिंगर निक जोनस से पिछले साल राजस्थान के बेहद रॉयल अंदाज में शादी रचाई थी। निक जोनस प्रियंका से करीब 10 साल छोटे हैं। इन दोनों के बीच एज गैप को लेकर अक्सर इनके फैंस सोशल मीडिया पर चर्चा करते रहते हैं और बहुत बार प्रियंका को इस एज गैप की वजह से ट्रॉलर्स का भी सामना करना पड़ा है। इस सब के बीच अब प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस और अपने एज गैप को लेकर पहली बार बड़ा बयान दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो प्रियंका ने निक के साथ अपने एज गैप को लेकर बोला है कि लोग हमारे रिश्ते को बहुत गलत मानते हैं। मुझे वास्तव में आश्चर्यजनक लगता है कि जब आप बिल्कुल बदल जाते हैं। प्रियंका ने लड़कों की ज्यादा एज पर जिक्र करते हुए कहा कि जब लड़का बड़ा होता है कोई परवाह नहीं करता और सभी लोग उसे पसंद करते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा कि एज मेरे लिए एक नंबर की तरह है। मेरे लिए सबसे अहम है कि दो लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हों और दोनों अपनी खुशी से शादी करें। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ अपने रिश्ते को लेकर और भी कई खुलासे किए। गौरतलब है कि अपनी शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को अपनी ड्रेस की वजह से भी सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स का सामना करना पड़ा था। हालांकि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ट्रॉलर्स की परवाह नहीं करते, इसके अलावा दोनों अक्सर एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल पहली बार प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग अपने एज गैप को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने साफ कर दिया है कि एज उनके लिए एक नंबर की तरह है और उन्हें ट्रॉलर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने लोगों की मानसिकता पर भी सवाल उठाए कि आखिर लोग लड़का और लड़की में इस तरह का फर्क कैसे कर सकते हैं। बहरहाल बात अगर प्रियंका चोपड़ा के वर्कफ्रंट की करें तो फिलहाल प्रियंका चोपड़ा 3 साल बाद एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी करने वाली है। दरअसल प्रियंका स्काई इज पिंक में नजर आने वाली है। ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। इसमें उनके साथ ज़ायरा वसीम और फरहान अख्तर भी नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।